आप सभी ने ये सुना ही होगा कि जो चिंता होती है वो चिता के समान होती है। मतलब यदि आप लगातार चिंतित रहते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी आयु को घटा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होते हैं अपने जीवन में, चिंता मुक्त होते हैं, उनकी आयु ज्यादा लंबी होती है यदि वो किसी आकस्मिक घटना से नहीं मरते हैं तो। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम चर्चा करते हैं कि अपने जीवन को तनाव मुक्त, चिंता मुक्त किस तरह बनाए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम जो तनाव में होते हैं वो किस कारण से होते हैं। उसके दो मुख्य कारण होते हैं, या फिर हमें फ्यूचर का डर होता है, हम समस्याओं से डरते हैं कि यदि जीवन में ये समस्या आ गई, वो हो गया, कुछ भी हो गया तो उसकी हमें चिंता सताती रहती है, या फिर हमारे पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जो ठीक नहीं है तो उसके बारे में हम बार बार सोचकर चिंतित रहते हैं। तो जब हमने समझ लिया है कि समस्या क्या है तो हमें इन्हीं दोनों समस्याओं को अपने जीवन से बिल्कुल दूर करना होगा। कि यदि आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि अरे ये समस्या आ गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, या फिर कोई वाकई में समस्या आ गई आपके जीवन में तो फिर आप उसको फेस नहीं कर पा रहे, आपने टेंशन ले लिया। यदि आपने टेंशन ले लिया समस्या के आने से तो फिर आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समस्याओं का तो कोई अंत नहीं है। आपके जीवन में हर वक्त खुशी के पल तो रह नहीं सकते, हर वक्त हमारा जीवन एक चुनौती के रूप में होता है, संघर्षों के रूप में होता है। तो संघर्ष तो हर रोज आना, हर पल आना है, खुशियाँ भी आनी है, वहीं संघर्ष भी आना है। जब हम खुशी के वक्त खुश रह सकते हैं तो जब ऐसी कोई समस्या आ रही है तो उसको सामना करने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, तत्पर खड़े होना चाहिए, वो भी पूरे उत्साह के साथ। यदि आप अपने अंदर हिम्मत जुटा लेंगे कि चाहे जैसी भी समस्या हो उससे मुझे निकलना है, क्योंकि वैसे भी यदि आप ये नहीं भी सोचते हैं तब भी यदि समस्या आएगी तब भी आपको समस्या से निकलना ही होगा, चाहे आप रोकर निकले या फिर उस समस्या का अच्छे से सामना करके अच्छा हल निकाल कर आगे बढ़ें। तो क्यों ना हम उत्साह के साथ सारी चीज़ों का, चाहे वो खुशियाँ हों अपने जीवन में या फिर कोई संघर्ष हो, उनका स्वागत करें और उनका सामना करें। यदि आपने इस तरह का नज़रिया अपनाया कि जैसी भी परिस्थिति आए मेरे जीवन में मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, तो आप कभी भी चिंता नहीं करेंगे और तनाव मुक्त रह सकेंगे। अब आते हैं दूसरी वाली समस्या, कि हम लगातार जो पास्ट में हो चुका है, हमारे अतीत में जो भी बीत गया है उसके बारे में सोचते हैं। यदि कोई दुखद घटना हमारे जीवन में बीत चुकी है तो हमें उसको पकड़ कर नहीं रखना चाहिए कभी भी, हम उसको पकड़ के रख लेते जबकि वो तो बीत चुका है, हम जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि यदि आप पिछला हमेशा अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो आप आगे आने वाली चीज़ों को कैसे स्वागत करेंगे। जो बीत गया है उसको चाहे आपने डर कर सामना किया हो या फिर साहस से सामना किया हो और अच्छे से हल निकाला हो, पर वो बीत चुका है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे, ना ही कोई भी चिंता आपको सता सकती है। ये दो कारण हैं, आपको जानकारी भी है इनकी तो आप अपने माइंड को पूरी तरह से फ्री रखें, पुरानी चीज़ों को बिल्कुल लेकर ना चलें, ना ही उनमें अटकें, और आने वाली हर समस्या को बखूबी अपने टैलेंट के साथ उसका हल निकालें और आगे बढ़े जीवन में। इस तरह अपने जीवन को तनाव मुक्त आप बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे विचार अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और भी कोई सलाह आपको चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर तैयार करूंगी। और भी लोगों को शेयर करें मेरा वीडियो, ताकि हो सकता है उनके जीवन में भी कुछ लाभ मिल सके। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।